हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैंने आज अपने उनावाटूना वाले रूम से चेकआउट कर लिया था और मैं आ गई हूँ गॉल में। और मैंने वीडियो इसलिए शूट नहीं करा क्योंकि सिर्फ 10 मिनट्स की जर्नी थी और बस में भी बहुत भीड़ थी और सिर्फ 3 किलोमीटर से उनावाटूना से गॉल। और मेरा रूम अभी रेडी नहीं हुआ एक्चुअली, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं जल्दी आ गई हूँ और फिर यहाँ से मैं जाऊँगी फोर्ट देखने के लिए, स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम क्रिकेट का जो फेमस है वो देखूँगी। और लाइट हाउस है यहाँ पे फेमस, तो कुछ कुछ है यहाँ पे और शॉपिंग के लिए भी बहुत अच्छा है गॉल। तो ये सारा प्लान है मेरा आज का। और फिर मुझे कल जाना है कोलंबो। कोलंबो के लिए शायद मैं ट्रेन लूँ यहाँ से, क्योंकि गॉल से कोलंबो की जो भी ट्रेन राइड है वो बिल्कुल कोस्ट से होते हुए जाती है, तो वो भी मुझे एक्सपीरियंस करना है। तो मैं निकल गई हूँ अपनी साइट सीन के लिए और वॉक करके जा रही हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर्स ही है जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ। तो सबसे पहला मेरा स्टॉप है गॉल का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, तो मुझे अभी 27 से 30 मिनट्स लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई हूं और सिर्फ 500 मीटर बचा है और यहां की मार्केट भी बिल्कुल इंडिया मार्केट जैसी लग रही है। तो ये है मेरे पीछे गॉल क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम और ये तो आपने बहुत बार मैच में देखा ही होगा। और पीछे फोर्ट भी है, फोर्ट भी आपने देखा ही होगा। तो 2004 में जब यहाँ पे सुनामी आई थी तो ये पूरा स्टेडियम, इनफैक्ट पूरा गॉल डैमेज हो गया था। और इसके पीछे ये बस स्टैंड ये वाला, तो ये भी पूरा डैमेज हो गया था। तो आर्मी और नेवी ने मिल करके पूरा रिकन्स्ट्रक्ट किया था और 1 साल लग गया था उसको फिर से बनाने में। और अभी इन्होंने मुझे बताया, सिल्वा ने जो मेरे पीछे हैं वहाँ पर, उन्होंने मुझे बताया है कि नेक्स्ट मंथ मार्च में यहाँ पे इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच होने वाला है। तो उन्होंने मुझे बोला कि इफ़ यू वांट टू कम यू कैन कम एंड गिव मी अ कॉल। तो वो मेरे लिए ऊपर एक सीट अरेंज भी कर देंगे यहाँ पे। तो सो नाइस ऑफ देम, दोनों ही बहुत अच्छे हैं और इन्होंने मुझे अलाउ करा एक्चुअली फील्ड देखने के लिए। पीछे ये एक लाइम जूस की शॉप दिखी जैसे इंडिया में होती है और जस्ट स्टेडियम के बाहर ही है। तो यहाँ से मैं अब एक लाइम जूस पी रही हूँ और इसके प्राइस हैं, हाउ मच इट इज फॉर 1 ग्लास, 50 रुपीज़, श्रीलंकन रुपीज़ का एक ग्लास है यहाँ पे। मैं अब जा रही हूँ डच फोर्ट और मेरे पीछे ये पूरा फोर्ट, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है पूरे यहाँ तक। तो मैं फोर्ट पहुंच गई हूँ और मेरे पीछे है क्लॉक टावर और इसकी एंट्रेंस फ़ी मैंने अभी तक तो कुछ पे नहीं करी है। तो डच फोर्ट को ही गोल्ड फोर्ट भी कहा जाता है, जो कि श्रीलंका के साउथ वेस्ट कोस्ट में है और सी मेरे पीछे ही है। तो इस फोर्ट से क्रिकेट स्टेडियम का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ थी। सो दिस फोर्ट वॉज फर्स्ट बिल्ड इन 1588 बाई पोर्चुगीज। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फोर्ट के कोई भी एंट्रेंस टिकट नहीं है और पीछे बहुत ही अच्छा व्यू है इंडियन ओशन का। तो जो ये पीछे पूरा भी एरिया दिख रहा है आपको, तो जब पोर्चुगीज यहाँ पे थे तो ये प्रिजन हुआ करता था। और यहाँ पे अभी गाइड ने बताया कि नीचे एक सीक्रेट रास्ता भी है और यहाँ पे बहुत सारे कपल्स बैठे हुए हैं कोने कोने में, तो यहाँ का ये कपल्स का फेवरेट स्पॉट है।
तो मुझे अभी जाना है यहाँ पे, जो ये लाइट हाउस दिख रहा है आपको, ये बहुत ही फेमस स्पॉट है और इंस्टाग्राम में भी आपने श्रीलंका गॉल की बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी होंगी, तो उसमें गॉल लाइट हाउस तो देखा ही होगा। तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ और ये पूरा फोर्ट कनेक्टेड है और वॉक करते रहो तो लास्ट वाला पॉइंट इसका ये लाइट हाउस है। और अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा है तो आपने देखा होगा कि कल मैं उस जैपनीज पगोडा में गई थी और वहाँ से गॉल सिटी दिख रही थी, और आज मैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट हूँ और यहाँ से ये जैपनीज पगोडा दिख रहा है। तो ये है मेरे पीछे गॉल लाइट हाउस, जिसे पॉइंटी दी गॉल लाइट भी कहा जाता है, एंड इट्स ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाई श्रीलंकन पोर्ट्स अथॉरिटी। और ये बहुत फेमस इंस्टा स्पॉट है और यहाँ पे अब मैं भी एक दो फोटोज़ लेने के बाद अपने नेक्स्ट स्टॉप जो कि होगा म्यूज़ियम, उसकी तरफ बढ़ूँगी। एंड गाइज, अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ डू फॉलो मी, मेरा इंस्टा हैंडल है ट्रैवल पब्लिश। एंड जस्ट इस लाइट हाउस के नीचे ही है बीच, तो सब लोग इस बीच में अभी हैं, तो मैं भी इस बीच को जाकर के देखती हूँ। तो ये जो बीच था इसका नाम था सी बात, तो छोटा ही बीच है ये, ज़्यादा कोई बड़ा बीच नहीं है, बट ज़्यादातर यहाँ पे लोकल पीपल है, फॉरनर्स कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और बस इतना ही है ये बीच। ये जो फोर्ट की वॉल है बस यहीं तक का है। मेरे पीछे आपको ये पूरी वाइट बिल्डिंग दिख रही होगी, तो पोर्चुगीज़ जब यहाँ श्रीलंका में रहते थे तो उस ज़माने में ये हॉस्पिटल हुआ करता था, जो कि अब चेंज हो गया है पब्स में, और जेम्स की बहुत सारी शॉप है यहाँ पे, और रेस्टोरेंट्स हो गए हैं अब यहाँ पे बहुत सारे, और इस पूरी स्ट्रीट का नाम है हॉस्पिटल स्ट्रीट, और बहुत ही सुंदर स्ट्रीट है ये, पूरी वाइट है। तो समन ने मुझे अभी बताया कि ये पोर्चुगीज़ टाइम की जो आपको ये येलो बिल्डिंग दिख रही है, ये वेयर हाउस हुआ करती थी, जो कि अब मरीन टाइम म्यूजियम में बदल गई है। तो मैं अंदर जाऊंगी और देखूंगी। सो इट्स ओपन नाउ। यस, ओपन नाउ। ओके, यस, ऑलराइट, थैंक यू। ये म्यूजियम क्वीन स्ट्रीट पे है, और अब मैं देखती हूँ अंदर जा कर के। मेरे ख्याल से तो अभी खुला होना चाहिए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट लेट्स सी। तो मैंने म्यूजियम देख लिया और उन्होंने मुझे अंदर वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया, उन्होंने बोला फोटोज ले सकते हो, वीडियोस मत बनाओ, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया। ये मेरे पीछे ऑल सेंट्स चर्च है, और ये बस क्वीन स्ट्रीट जहाँ पे स्टार्ट होती है वहीं पे है, लेफ्ट साइड, और ये पीछे पूरी क्वीन स्ट्रीट है, और पोस्ट ऑफिस भी था यहाँ पे, जो कि अब टूट चुका है, तो ये वाला पोस्ट ऑफिस था। तो ये है मेरे पीछे नेशनल म्यूज़ियम, और इसकी एंट्रेंस फ़ी है 300 रुपीज़। तो मैं ये नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे म्यूज़ियम में वैसे कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है, और एक कर लिया मैंने, वो मेरे लिए इनफ है। और अब मैं जा रही हूँ रेलवे स्टेशन, मुझे कल के लिए अपने लिए टिकट लेनी है, और मैं ट्रेन का भी टाइम पता करने वाली हूँ क्योंकि ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा कुछ,
तो एक बार जाके देखती हूँ कितने बजे की ट्रेन है मेरी कोलंबो के लिए और टिकट प्राइस क्या है उसके। तो अगर ठीक ठाक ट्रेन हुई तो मैं थर्ड क्लास में ले लूँगी रिजर्वेशन अपना, अदरवाइज सेकेंड क्लास में देखती हूँ वहाँ जा करके। तो इंडिया की तरह श्रीलंका में भी क्रिकेट मैच बहुत फेमस है और यहाँ पे लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। काउंटर से अपने लिए कोलंबो के लिए टिकट्स ले ली हैं और मुझे टिकट पड़ी है 600 श्रीलंकन रुपीज़ की फ़र्स्ट क्लास में। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आपको कोलंबो तक जाना है तो आप फर्स्ट क्लास में जाओ रिजर्वेशन लेकर के, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ट्रेन है और उसमें बहुत रश होता है। तो फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है, मेरे पास बैग भी है और सब, मैंने देखा काफ़ी सारे फॉरनर्स वो सब लोग फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन करवा रहे थे। सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में रिजर्वेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ट्रेन का जो भी टाइम होता है उससे 30 मिनट्स पहले ही काउंटर खुलता है और उसकी टिकट्स तब मिलनी स्टार्ट होती है। तो टिकट्स ले लिए मैंने अब और कल 7:20 की ट्रेन है मेरी। मैंने ऑटो ले लिया है वापस रूम पे जाने के लिए और जितना भी था घूमने का यहाँ पे मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। और जो मैंने ऑटो लिया है उन्होंने कल मुझे उन्ना वाडुरा की जापानीज पगोडा में भी देखा था और वो मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे कल देखा था वहाँ पे। और आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।